हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो बहन की शादी हो चुकी है, दो दिन से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था। कल परसों इतना बिजी था कि शेविंग और कटिंग भी नहीं करवा पाए। अब चल रहे हैं, सबसे पहले आज बहन को लेने जाना है, सबसे पहले चल रहे हैं, अब कटिंग कराएंगे, उसके बाद कटिंग शेविंग करा के हम जाएंगे। शाम को रेडी होंगे, ड्रेस कोड बनाया सबने। चलो मिलते हैं, बस थोड़ी सी दूर पे बार्बर की शॉप है, वहाँ जाके मिलेंगे। देख सकते हैं हालत कितनी ख़राब हो रही है। ये बाल कटिंग शेविंग सब कराएंगे। एक दोस्त बैठा हुआ है बार्बर की शॉप पे, उसने बताया था कि आ जा फटाफट, यहाँ भैया बाल काट रहे हैं। चलते हैं, चल के कटिंग और शेविंग कराते हैं। और ये ब्लॉग प्रॉपरली लास्ट स्टाइल के ऊपर होगा, थोड़ा सा जाएंगे पार्टी वार्टी में जाएंगे और आपको बताएंगे दिखाएंगे किस तरह से हम पार्टी इंजॉय करते हैं। चलो मैं आपको फास्ट ले चलता हूँ। सो फाइनली हम आ गए हैं भैया के यहाँ, अभी हम कराएंगे कटिंग शेविंग। फाइनली बाल कट चुके हैं, शेविंग भी बन चुकी है और हम चल रहे हैं, दाने और जो हो रहे थे वो भाई के उठा दिए हैं सारे और हम चल रहे हैं अपने घर। ये तो बंदे आ रहे हैं चले। तुम दोनों जाओ, मैं जा रहा हूँ घर। पहले भाई नाना नहीं होता क्या? तो नाना तो ये बाल काट रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घर। भैया कौन बाल काट रहे हैं? बाल काट रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घर, बाल काट रहे हैं। हाँ यार आएंगे तो हम भी यार। कैंची लगवा ले दाढ़ी पर, कैंची लगवा ले। लगवाई है अभी, वो मैंने अपने हाथों से ऐसे ऐसे कर रखे हैं ना, इसलिए बेकार लग रही है। तू स्मार्ट तो लग रहा है, और क्या लेगा? तो नहाना तो मेरे को भी तो भाई। हाँ तो तू शेविंग तो नहीं कराएगा? प्रेम में मेरे को मिले। हाँ प्रेम में, ये हमारे एडिटर भाई है, फ्रेम में लो इन्हें, फ्रेम में मुझे फ्रेम में डाल लो, फिट कर ले। अरे ये तेरा उठना कल नाचे पे चल जा, समझ चालू करेंगे। ये वीडियो देख के एक एक चीज याद आ गई, मैं गरीब या अभी मैं झोपड़ी वाला। अरे चले बताओ सारे के सारे कौन है ये? हाँ तो कैसे नहाएंगे? समर सीवर चालू करवा, लड़की से चिपक चिपक के नहाएंगे। तो हम जा रहे हैं घर, घर जाके नहाते हैं, नहा के पहनेंगे अच्छे से कपड़े, टी शर्ट तो चेंज कर ले। हाथ में जाता है दर्द भी लोग करते करते, महंगा फोन है ना इसलिए भारी है, बहुत भारी फोन है भाई। हम ये चिप वाला अल्टर मत दे देना कोई। तो अभी हम मिलेंगे नहाते हो, बाय। तो हे गाइस हम लोग तैयार होके जा चुके हैं, निकल चुके हैं, फॉर्मल कपड़े वेयर करे हुए हैं, हम सारे दोस्त निकल चुके हैं और इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है कोरोना के चलते हुए। चालान आएगा घर पे वीडियो देखकर। तो गाइस अभी रस्ते में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे आपको दिखा देंगे कैसा क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं उन लोगों ने हमारे लिए। और ये सब पीछे हमारे दोस्त ही आ रहे हैं जितने हैं, पीछे दोनों गाड़ियां। भाई ये जो आदमी जिसने कैमरा पकड़ रखा है बड़ा आरामी आदमी है। ये द्वारका मोड़ बन गया, हमें जाना है द्वारका। और ये दोनों दोस्त आ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा, 2000 का चालान कटेगा। ले 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 बैठ ले, अपने को
हम आ गए हैं यहाँ पर, फोटो शूट चल रहा है। चलो अब हो गया सारा फोटो शूट, अब हम चल रहे हैं, बैंड से मिलेंगे, चल गए। चलो ये तो आज पापा के साथ ये ब्लॉग चल रहा है। ये पापा आफ्ताब अन्नू और ये वीडियो का भाई भाई, हम सारे जा रहे हैं अभी बाजी के पास, बाजी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। चलो ठीक है बेटा, ये वाला लोग की एडिटिंग तू करेगा, कौन तू? तो हम लोग आ गए हम बाजी के पास, यहाँ मिल रहे बाजी से, बोरा डाल के तोड़ देगा वाली वाली। साइड दे दो, साइड दे दो, साइड दे दो। ये रहती बाजी, ये तो एक हाथ लेना है, एक हाथ लेना बाजी बाजी। बस हो गई, निशान बड़ा खुश है, क्यों खुश है बे? नोटों की वो चार कर दे, इस पे कर दे क्या बताओ, मगर बटोर के हमें दे देना। जिसका उधार है चुकता कर दो, सारे दे दो रुपए। पानी किसे चाहिए था? हमारे हमारे गुस्ते कैरी कहाँ कहाँ से आ गए इतने सारे, और इतना बोलने के लिए लोनिया ने मुझे लात मारी नीचे से। पैसे एक एक रुपए देने से ज्यादा नहीं, ठीक है। खुले भाई ने पकड़ाई थी, 100 रुपए दे रहे हैं, 500 दे गया, हम पहले ही आ गए। ये साहिल भाई है, 100 रुपए। एक भाई भाई भाजी चले भाई आ गया, अब हम इसमें जाएंगे और गाड़ी दिख नहीं रही होगी, आगे उजाला आएगा जब दिखेगी। ये हमारी छोटी सी गाड़ी है रिड्स, हमें मजा आएगा इसमें जाएंगे हम। 2012 मॉडल, चलो फुल्ली लोडेड, अरे आ जाना। अबे एसी सही तो चल रहा है, हां तो क्या हो गया, अंदर ही गया तू बेटा, रुक अंदर ही मारेंगे तेरे को देख कर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं, निकल चुके हैं वहां से वैन के यहां से, और अब हम लोग जा रहे हैं सीएनजी डलवाने। गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठने के बाद पता चला सीएनजी कम है, सो सीएनजी डलवाने के बाद फिर 24/7 पे रुकेंगे, वहां से कुछ खाने के लिए लेंगे, उसके बाद हम आगे घर जाएंगे। चलो फिर मिलते। तो अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप, अब सीएनजी नहीं डलवानी, सीएनजी वाली गाड़ी ठीक हमारे सामने खड़ी है, हमने गाड़ी चेंज कर ली थी, अब आ गई i20। पहले हम बैठे थे रेट्स के अंदर, और अब इसमें डलेगा पेट्रोल, उसमें डलेगी सीएनजी। मैं दिखाता हूँ वो वाली गाड़ी, रही हमारी सेड्स, ड्राइवर बुलाए स्पेशल, कितना 500 रुपए डलवाना, और ये हमारी शिफ्ट और आज यहाँ बहन के यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, बहन से मिले, उसको थोड़े बहुत पैसे वैसे भी दिए, थोड़े बहुत क्या 100 रुपए दिए उसको, चलो चलता है। और कुछ नहीं, बस अब कल से काम स्टार्ट करेंगे, तो डेली व्लॉग काम से आएंगे, तो अब जो डेली व्लॉग आएंगे कभी काम के होंगे, कभी छुट्टी पे होंगे तो छुट्टी के होंगे। और जो इतने भी लोग वीडियो देखे ना, मेरे को ज़रूर बताना कि डेली व्लॉग क्या काम पर भी करूं, या फिर अगर आप चाहो तो एक दो दिन की लीव लेकर भी मैं व्लॉग कर सकता हूं। बहुत तेज भगते हुए, पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत आ गई, मुझे नमाज पढ़ा रहे हैं उनकी, क्या हुआ
क्या हो गया? ये क्या हुआ? पर्स चाहिए था इन्हें, अपना पर्स चाहिए था, ये हमसे बोल हाँ तो इन्हें भाई साहब को अपना पर्स चाहिए था, ये भाई साहब हमसे बोल के भी नहीं गए कि मुझे मेरा पर्स दे दे, बस आए और लगा दिया, वो पैसे मांग रहा है मोरे ढूंढ रहे, आए और इधर से ये निकाल के चले गए। चलो बहुत ही शानदार, ये ना ये पेट्रोल इसलिए लगा देते ना कार के सामने ताकि वो भाग ना पाए, लोग भाग जाते हैं ना पेट्रोल डलवाते डलवाते लोग भाग जाते हैं। अरे 1 लाख का करवा लो एक लाख का कर दो कितने का डलवा रहे हो? 500। तो भैया 1 लाख का नहीं, इन्होंने 500 रुपये का डलवाया, बस गरीबी है। 1 लाख का आ तो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारी दूसरी वाली गाड़ी के अंदर ना CNG डलती है, भाई खड़े हैं उधर CNG डलवा रहे हैं। हाँ भाई चलिए CNG के पास से डलवा दी है, उसमें पेट्रोल डलवा है, पेट्रोल डलवाया उसमें 500 रुपये का। हाँ आगे रोक लेंगे, तो पेट्रोल डल चुका है। बाय अंकल, अंकल अंकल बाय अंकल कह रहे अंकल अरे यार अंकल ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बेइज्जती सी कर दी अंकल ने, तो बोल रहा था यही रुक जाना, आगे रुकने के लिए बोल रहा था, मुझे पता चेंज करेगा गाड़ी, नहीं गाड़ी नहीं चेंज करेगा। सो गाइस हम 24/7 नहीं गए क्योंकि घर से मम्मी का कॉल आ गया था कि जल्दी आ जाओ फटाफट, अभी पार्टी में से तो खा के आए हो, अब भी खाओगे तो फिर अब घर जाके कुछ खाएंगे, घर पे देखते हैं क्या पड़ा होगा। ओ फाइनली घर आ गए थे, घर आने के बाद व्लॉग कर नहीं पाए, सो गए, अब शॉप पर आके व्लॉग कर रहे हैं, एंड व्लॉग है। घर आने के बाद सो गए, उसके बाद सुबह उठे, सुबह उठ के काम पे आ गए, बस बिजी शेड्यूल चल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बूम।